हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोली किचन रेसिपी तो आज मैं आपके लिए स्ट्रीट स्टाइल बैंगन के भर्ती की रेसिपी लेके आ गई हूँ ठंडी का मौसम है तो आजकल स्ट्रीट में लिट्टी वगैरह बहुत मिलते हैं तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं बहुत ही आसान है बनाना आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है बिल्कुल एकदम खाने में मुंह में पानी आ जाएगा आपको बनाते बनाते तो सबसे पहले बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरीके से बैंगन बैंगन आप बड़ा वाला ले लें जिसमें कि बीज ना हो देख लें उस तरीके से बैंगन को छाट के मार्केट से लेके आए और कीड़े ना हो उसके लिए आप मैंने बीज से कट करके देख लिया है आप भी कट करके जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद इसमें मैंने एक से दो बूंद मस्टर्ड ऑयल लगा लिया था उसके बाद गैस को ऑन करेंगे और धीमी आंच पे इसको पकने देंगे चारों साइड से अच्छे से पका लेंगे इसे पलट पलट कर पकाना है इसे पकाने में पंद्रह मिनट लग जाएंगे धीमी आंच पे पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए और जले भी ना तो इसे पकने देते हैं देखिए थोड़ी देर बाद हमारा बैंगन इस तरीके से पक गया है मैंने इसे बार बार बीच बीच में पलटा था तभी ये जाके चारों तरीके से अच्छे तरीके से सीख गया है तो जब हम इसे सेक लेंगे तो इस तरीके से चेक कर लेंगे उंगलियों से दबाएंगे बहुत ही आसानी से दब जाएगा या फिर चाकू से चेक कर सकते हैं चाकू आराम से अंदर तक इंसर्ट हो जाएगा तो देखिए इस तरीके से पकाने के बाद आप ध्यान रखिए बैंगन लेते वक्त कि बैंगन में बीज ना हो बीज वाला बैंगन है तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है उसके बाद अब हम इसी गैस पे टमाटर को पका लेंगे मैंने तीन बड़े साइज के टमाटर लिए हैं ये वेट में ढाई सौ ग्राम थे आप अपने अकॉर्डिंग बैंगन टमाटर आलू को रख सकते हैं अगर आपको आलू का टेस्ट ज़्यादा चाहिए तो आलू ज़्यादा कर लीजिए टमाटर का टेस्ट ज़्यादा चाहिए तो टमाटर को ज़्यादा कर लीजिए या बैंगन ज़्यादा चाहिए तो बैंगन को ज़्यादा कर लीजिए बाकी आप इसे इस प्रोसेस से बनाइए बहुत ही टेस्टी चोखा या फिर भरता आपका बनने वाला है टमाटर हमारा पकने मैंने रख दिया है तो ये मैंने तीन मीडियम साइज के आलू रखे हैं इसे मैं बॉईल कर लूँगी जी हाँ एकदम धीमी गैस पे मैं इसे बस दो सीटी लगाऊंगी उसके बाद मैं इसे भी जैसे मैंने बैंगन और टमाटर को रोस्ट किया है तो वैसे इसे भी रोस्ट करेंगे तो ये देखिए हमारा टमाटर भी पक चुका है जब तक हमारा आलू बॉयल हो रहा था तो अब हम इसे निकाल कर आलू देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है तो बॉईल करके आलू हमारा अच्छे से पक गया है आलू फटा नहीं है लेकिन अच्छे से कुक हो गया अब हम इसे चारों साइड से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे गैस पे ताकि इसमें भी वो जो सौंधी सौंधी सी फ्लेवर आती है आग वाली वो आ जाएगी और इससे चोखे का फ्लेवर हमारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा तो आप इस तरीके से तीनों को पका लीजिए देखिए मैंने आलू को भी इस तरीके से रोस्ट कर लिया आप देख सकते हैं आलू रोस्ट हो गया है हमारा कितने अच्छे से उसके बाद इसे रोस्ट करने के बाद हमने टमाटर रोस्ट कर लिया था और बैंगन को भी रोस्ट कर लिया था तो अब हम क्या करेंगे बैंगन और टमाटर दोनों के छिलके को हटा लेंगे बैंगन में हमने ऑयल लगाया था एक दो बूंद मस्टर्ड ऑयल तो उसके कारण आप देखिएगा कि छिलका कितनी आसानी से निकल जाएगा अगर आप नहीं लगाते हैं ऑयल तो थोड़ा सा दिक्कत आता है निकल तो वैसे भी जाता है लेकिन अगर लगा लेंगे तो बहुत ही आसानी से निकलता है तो देखिए बैंगन हमारा छिल गया है तो ये जो डंटल वाला पार्ट है इसको हम काट के हटा देंगे और ये रहा हमारा बैंगन कितने आसानी से पक गया है और कितने अच्छे से छिल गया देखिए बिल्कुल भी इसमें छिलका नहीं आया है तो हमने एक बाउल में आलू को ले लिया आलू को हमें नहीं छीलना है क्योंकि हमने पहले ही छील के ही बॉईल किया था उसके बाद अपने टमाटर को छील लेंगे टमाटर में भी आप ऑयल लगा सकते हैं देखिए मैंने ऑयल इसमें नहीं लगाया है तो टमाटर का स्किन थोड़ा सा बाहर आ रहा था तो ये गलती आप नहीं करिएगा टमाटर में भी ऑयल लगा लीजिएगा और उसके बाद मैं इसे चाकू से थोड़े छोटे छोटे पीसेस कर देती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए अभी बहुत गर्म है बैंगन और टमाटर तो ऑलमोस्ट ठंडे थे लेकिन आलू हमारे गर्म थे तो इसलिए मैं आलू को कट कर लेती हूँ ताकि ये ढंडा हो जाए और जल्दी से हम इसे मैश कर पाएँ तो मैश करने के लिए आप हाथ से मैश कर सकते हैं किसी भी पटेटो मैशर की सहायता से मैश कर सकते हैं तो इसके लिए अब हमें तैयार करना है एक तड़का तो मैंने एक तड़का पैन ले लिया है उसमें मैंने सात आठ लहसुन की कलियों को बारीक काट के डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्ची ले आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा हरी मिर्ची ले सकते हैं एक से दो चम्मच सरसों का तेल लेंगे जी हाँ सरसों का तेल लीजिएगा इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और उसके बाद अब हम इसे पका लेंगे गैस पे रख के तो गैस पे रखेंगे और इसे पकने देंगे हमें इसे बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है हमें इसे एकदम हल्का सा पकाना है मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जब हमारा लहसुन हल्का सा कलर डार्क होने लगे तो बस हमें इसे अपने चोखा में या फिर भरते में इसे डाल देना है तो देखिए हमारा लहसन बिल्कुल जला नहीं है इस तरीके का होना चाहिए तो अब हम इसे ऑयल के साथ इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे देखिए मैंने सबको डाल दिया है तो अब हम क्या करेंगे पटेटो मैसर की सहायता से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे तो इसे मैश कर लिया है मैंने देख सकते हैं आप मैश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं उसके बाद ऊपर से डालेंगे हरा धनिया जो कि आपको जितना पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं उसके बाद अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे फटाफट से एकदम स्ट्रीट स्टाइल आप अगर लहसन और मिर्ची को इस तरीके से पका के डालते हैं ना ऑयल में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों तो आप इस तरीके से ज़रूर एक बार बैंगन के भर्ती की रेसिपी को ट्राई करिए वीडियो पसंद आए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा और भी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा तब तक के लिए बाय बाय